गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और रात को यहीं मौसी के पास ही थे। हम लोग का पैसेंजर ट्रेन 7 बजे है, तो 6 बजे निकल जाएंगे यहाँ से। आधा घंटा तो लग जाएगा स्टेशन जाते जाते, क्योंकि फिर पैदल जाना पड़ेगा। 5:30 बजे कौन टोटो या रिक्शा चलेगा, तो पैदल जाना होगा। तो 6 बजे तक निकल जाएंगे। ये देखो, मच्छरदानी अभी भी लगा हुआ, और वो जो पीछे देख रहे हो सब रिया बनाई है, वो भी ड्राइंग बनाती है, लगा रखी है ऊपर। हम तो रेडी हो गए, भाई भी रेडी हो चुका है, सामान सब भी रेडी है निकलने के लिए। इधर में निकल जाएंगे, और मेरी बहन सब सोई हुई है, मौसी उठ गई है। और बाहर देखो, थोड़ा देर पहले तक अंधेरा था पूरा, कुछ लाइट तो अभी भी जल रहा है। ये नीम का पेड़ है, बड़ा सा पेड़ है। थोड़ा देर में अब निकल जाएंगे, क्योंकि अगर लेट हो गया तो पैसेंजर ट्रेन भर जाएगा। यहाँ पे जल्दी जल्दी भरता है, क्योंकि अभी छठ टाइम है तो सब जगह रश रहता है, तो जल्दी से निकलना होगा। कम से कम 15 मिनट पहले पहुँचेंगे तो सीट मिल जाएगा, और निकलते हैं थोड़ी देर में। ये पिक्चर में लाइट प्लास्टिक लगाया है ना, इसलिए नहीं दिख रहा। देखो, और यार टेस्ट थोड़ा चेहरा भी दिखा दे। ये देखो, अभी सो के उठी है ना, इसलिए नहीं दिखा रही जरा। वैसे का शादी भी तय हो गया है, होने वाला है जल्दी शादी। ये भी ड्राइंग बनाई है, और वो भी, ये मेरी दीदी, इसका इसका भी शादी हो, इसका भी शादी होने वाला है, तय हो गया, आएंगे शादी में जल्दी। सो के उठिया ना इसलिए। फिलहाल छत भी दिखा देते हैं, सीधा है। ये बंद है पीछे। ओहो, ये देखो सामने गंगा जी है, ये सामने बांध है, ये बांध है पूरा, और ये सामने गंगा जी। तो छठ पूजा करने के लिए बेसी दूर नहीं जाना पड़ता यहाँ पे। और यहाँ फॉग देख रहे हो, कितना फॉग रखा है। कोलकाता में इतना फॉग अभी नहीं है, वहाँ थोड़ा तो मतलब दिन खोलता है तो सूरज दिखाई पड़ता है। यहाँ देखो कितना बज गया, ये बजने में 10 मिनट है, 6:50 हो रहा है। तो देखो अभी तक फॉग लगा रखा है। ये मेरा भाई को कल दिखाए थे ना, कल टेम्पो में नहीं देख पाए थे इसको। ये मेरा बड़ी मौसी का मेजला बेटा है ना, हाँ मेजला है, रिया वो बड़ी है, उसके बाद ये है, इसके बाद एक छोटी बहन भी है, वो उठेगी तो उसको दिखा देंगे। और इधर चीनी मिल था ना, वो वाला, ये पूरा चीनी मिल है, बंद हो गया है, चीनी मिल बंद हो चुका है। बिहार का चीनी मिल देख लो, ये बंद हो चुका है। फिर भी ये यहाँ सामने जंगल हो गया ना, तो भाई बोल रहा था कि ये लोग का घर में एक सांप आ गया था बड़ा सा, बारिश का टाइम था। और मेरा भाई को देखो, सुबह उठते उठते मोबाइल में लग चुका है। कल वहाँ हावड़ा स्टेशन से जब से चढ़ा है ट्रेन में, तब से मोबाइल देख रहा है। सिर्फ रात को थोड़ा देर सोया, उसके बाद देखो। और वो अंकल आया रिक्शा वाले, सुबह सुबह उनको बुला लिया, सामान उस पे लाद देंगे, सामान उस पे जाएगा, हम लोग पैदल जाएंगे। ये मेरी बड़ी दीदी है, मतलब बड़ी मौसी की बड़ी बेटी, इसको रिया नाम से ही बुलाते हैं। आज इसका ही शादी होने वाला है, तो शादी में आएंगे। और वो मेरी छोटी बहन, वो बहुत सस्ती है, मतलब मेकअप वेकअप सब में फर्स्ट रहती है। ये बच चुका है तो जल्दी से निकलते हैं, नहीं तो लेट हो जाएंगे। सामान चढ़ चुका है, देखो हम लोग का 4 बैग है, और एक तो बैकपैक है, एक हैंडबैग है, और 2 बैग्स है। आओ देखो दोनों को, अभी से हमको बाय कर रही है, देखो भगा रही है। टाटा, फिर कभी मिलेंगे शादी में, बाय बाय। भाई भी चल रहा है साथ में, भाई और सामने मौसी चल रही है, और नानी गई वापस, वो गई। अब मौसी बोल रही है मौसी नहीं जाएगी स्टेशन हम लोग के साथ, पता नहीं क्या हुआ। झटका झटका भी अब वापस।
से चलते हैं, फिर पता नहीं कब आएंगे नेक्स्ट टाइम के। हाँ भाई भी वापस जा रहा है। बाय 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 बाय। रिक्शा पे हम बैठते हैं, उसको चलते हैं। हम तो रिक्शा पर चढ़ के आ गए थे और सामान सब भी रखने हैं यहाँ फाइनल स्टेशन। ये रात को जो दिखा था यहाँ लाइट जल रहा था। पापा मम्मी और भाई पैदल आ रहे हैं तो उनके लिए रुकते हैं, उसके बाद सामान लेके चलेंगे। रिक्शा में आ रहे थे तो ठंडा लग गया, नाक बंद हो गया। 6:20 हो गया, 7 बजे ट्रेन है। पापा मम्मी और भाई अभी तक नहीं आए, रुके हुए हैं। जल्दी आ जाए तो ट्रेन पकड़ेंगे। वैसे यहाँ से अभी पैसेंजर ट्रेन है, सब लाइन्स जो होता है मेन स्टेशन से सब लाइन्स जो जाता है सब लाइन्स होते हुए जाएंगे। फाइनली मम्मी आ रही है, वो सामने दिख गई है मम्मी। मम्मी और भाई, पापा किधर चले गए? पापा, फिर मम्मी और भाई आ रहे हैं, पापा पता नहीं किधर गए। ये रात को ट्रेन दिखाए थे वो वाला है। पापा, ओ पापा जी टिकट कटाने गए, मफलर बांध लिए, कान ठंडा हो गया था। रिक्शा पर आए ना एकदम बर्फ जैसा लग रहा था, तो मम्मी मफलर निकाल दिए। वो रहे पापा, पापा भी आ गए। पापा को देखो मफलर बांध लिए, पापा टिकट लेके आ गए हैं, चलते हैं। तब से खड़े थे यहीं पे, सामान उठाते हैं चलते हैं जल्दी से, 6:30 बज चुका है। ये राम लोग का पैसेंजर ट्रेन, सूरज अब दिख रहा है, थोड़ा देर में ट्रेन भी खुल जाएगा। लास्ट टाइम भी इसी पैसेंजर से गए थे लेकिन ब्लॉग मैंने अपलोड किया नहीं है तो पता नहीं होगा। 7 बजने वाला, और देखो यहाँ पे अभी तक फॉग लगा हुआ है, फॉग से है देखो। और कोलकाता में तो अभी तक आ जाता था, यहाँ पे अभी तक फॉग है, ठंडा लग रहा है। मौसी फ़ोन कर रही है। उधर है हसनपुर स्टेशन, आते टेम्पो भी मिल गया, बैठते हैं। मम्मी तो बैठ गई है, भाई बैठ जाए बस, चलते हैं यहाँ से। यहाँ से मुश्किल से 15 मिनट। देखो मेरी दादी गेहूँ कूट रही है, बस पूजा के लिए गेहूँ कूटा जा रहा है। ऐसे कलकत्ता में कहीं देखने को मिलता नहीं है। हम लोग 10 बजे तक घर पहुंच गए थे। अभी फ़िलहाल सब कोई नहा धो के खालिस्तान जा रहे हैं, सामने खालिस्तान। और यहाँ तो कलकत्ता में कल भसान हो गया था लेकिन यहाँ पे कल भसान होगा, तो आज भर काली जी रहेंगे। और यहाँ पे मेला भी लगता है, दिखा देंगे। मम्मी किधर गई? ये रही मम्मी पापा। सामने भाई है, बेसी दूर नहीं है, वहाँ तक जाना है। मेला लगा हुआ वो भी दिखाएंगे। खालिस्तान आ गए और ये देखो मेला लगा हुआ, बड़ा सा झूला है ना, इधर स्टॉल सब लगा हुआ है। अभी तो दोपहर हो गया ना, कितना बज रहा है अभी? 11:50 हो रहा है, तो दोपहर को पूरा खाली हुआ। शाम को आएंगे फिर तो हम दिखा देंगे। मम्मी और दादी पैर धो रही है, मेन मंदिर ये वाला है, ये सजा रखा है ऊपर से। पापा वहाँ प्रसाद ले रहे हैं चढ़ाने के लिए। और ये मेला लगा रखा, मेला लग रखा रखा। दोपहर है ना तो इसलिए खाली खाली, शाम को फिर आएंगे तो दिखाएंगे, भीड़ हो जाता है शाम तक। देखो मेरी दादी बोल रही है पहले पहले अंदर जाओ, मंदिर के अंदर जाओ, चलते। ये देख लो पूरा, बाहर से तो सिर्फ काली माँ दिखाई पड़ते हैं। जा हो गया, प्रसाद भी चढ़ा दिए, चलते हैं वापस घर। आप बाल का अवस्था देख रहे हो क्या है? वो देखो सामने बच्चा लोग, दुकान वाला नहीं है तो सब चढ़ गया उसमें। ट्रैम्पोलिन लगा रखा है 2 ठो। अरे 4 बज चुका है तो जल्दी से लाइट लगा लेते हैं क्योंकि यहाँ थोड़ा जल्दी अंधेरा हो जाएगा, 5:30 तक पूरा अंधेरा हो जाएगा, तो
लाइट लगाते हैं इसमें। लाइट सब है कोलकाता से लास्ट के लास्ट ईयर लेके आए थे, जो वहाँ पे लाइट लगा रखे थे वही वाला लाइट सब है, इसको लगाते हैं। ये रहा वायर, तार भाई सोया हुआ अभी तक, वो थक गया, घर में सब थका हुआ है। लाइट सब देखो ऐसे ही रखा हुआ है, मतलब कनेक्शन करके रखा हुआ है, सिर्फ लगा देना यहाँ पे। खोल तो दिया है मैंने, देख रहे इसको बस यहाँ लगाते हैं, कनेक्शन करके देखते हैं जलता है कि नहीं। लाइट्स के कनेक्शन तो मैंने कर दिया और उसको जला के देखे तो सारे जल रहे थे, वैसे बाहर अंधेरा हो चुका है, अभी पूरा तरह से लगाए नहीं है लाइट को, सिर्फ चेक कर लिए कि हाँ जल रहा है। छत पे लगा दिए, बाहर में जो जगह है वहाँ पे लाइट्स लगाना बाकी है, तो कल सुबह लगा देंगे, कल सुबह नहीं शाम को ही फिर करेंगे, तो नेक्स्ट ब्लॉग में दिखा देंगे कैसे लाइट्स लगाए।